सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीएसआईआर प्रिपरेशन, दैट इज अभिमन्यु आईएएस। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबका। देखिए, योर डाउट्स अवर सोल्यूशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो आज का लेक्चर नंबर 6 है। फटाफट शुरू करते हैं इसको। बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास 3 से 4 डाउट्स भी हैं। क्लियर, सबसे पहले देखिए करना क्या है। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर प्लीज़ मुझे डाउट भेजिए, ताकि मुझे आपके डाउट्स पता चल सके और मैं उनका बहुत अच्छे से सोल्यूशन भी दे सकूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी अभी प्रिपरेशन आपको लग रहा है अधूरा, अभी प्रिपरेशन को फाइनल टच नहीं मिला, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े। सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़ में आपका यूपीएससी सीसेट का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश भी, और आपका रीजनिंग भी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, और बहुत बहुत कम प्राइस में, ऑलमोस्ट 3500 बहुत कम प्राइस रखा गया। इसका रीज़न क्या है कि जो बच्चा नहीं कर पाए अभी तक, अभी भी कर रहे, लास्ट के 30 से 40 दिन को अगर अच्छे से यूटिलाइज आपने कर लिया, तो समझिए आपने मैदान मार लिया। क्लियर, तो प्लीज़ चलिए जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या दिया, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस, अलाउज 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, लेटर ऑन ही सेल्स इट बाई गिविंग अनदर कैश डिस्काउंट ऑफ 39 रुपीज़ एंड स्टिल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब ध्यान से देखो जरा क्या है इसमें। सबसे पहली बात, सीपी होगा, सीपी कितना है मेरे पास, 100% है, परसेंटेज में लेके चलो इसको। उसके बाद मैं एमआरपी की बात करूंगा, एमआरपी कितना, 140% हो गया, 40% ज्यादा। तो ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल जो जो दिया गया है उसी को हम लेके चलेंगे। अब वो क्या कह रहा है, इस पे 12% का डिस्काउंट, इसका 12%, 140 का 10% कितना हुआ, 140 का 10% 14 प्लस 2.8 यानी 16.8 आ गया। पहले मैंने क्या किया, 140 को, 12 को मैंने 10 और 2 में तोड़ दिया, 140 का 10% 14 आया, और 40 का 2% कितना है मेरे पास, 2.8। क्लियर, अब मुझे इसको आगे लेके चलना है, इसमें से माइनस 16.8 कर दो तो कितना बना, देखो मेरे पास इसमें से 16 माइनस कीजिए कितना, 124.8 123.2%। ये अब मेरे पास फाइनल सेलिंग प्राइस होने वाला था, बट उसने देखा कि भाई प्राइस तो मेरा अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, अभी भी कम नहीं, भी कम भी करा, तो उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया कितना, 39 रुपीज़ का, मतलब 39 रुपीज़ का। और ये क्या हो गया मेरा फाइनल, दिस विल बिकम माई फाइनल सेलिंग प्राइस। क्लियर, ये फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। अब कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा, 18% का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 100 की वैल्यू कितनी, 118%, इसका मतलब 118% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 118% की वैल्यू कितनी, 123.2% माइनस 39 रुपीज़। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 123.2% माइनस 118% इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो ये कितना, 5.2% की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स मेरे पास, 39, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 39/52 × 10, तो 13 × 3 = 12 = 5, 7.5 आ गया। अगर 1% की वैल्यू 7.5, तो 100% की कितनी होगी, 7.5, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, और कोई डाउट हो ना तो आपके पास नंबर है 9517771651, कॉल व्हाट्सएप कीजिए, आपके डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप फ्रूट बास्केट कंटेन 10 गुआवा 20 बनाना, 10 गुआवा 20 बनाना, आउट ऑफ 3 गुआवा 5 बनाना डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं, 3 गुआवा डिफेक्टिव, और यहाँ पे क्या है, 5 बनाना मेरे डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 7 गुआवा और 15 बनाना। इसमें से भी लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि कॉमन नहीं छोड़ रहा मेरे रीजन को भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर बनाना और बोथ आर नॉन इफेक्टिव। देखो अब बोथ बनाना है, देखो सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होंगे इसकी, टोटल कितना, 30 C2 होगा, क्योंकि 30 मेरे पास टोटल है, मुझे 2 लेने हैं, तो 30 C2 को कैसे निकालोगे, 30 C2 यानी 30 factorial / 28 factorial × 2 factorial, यानी ये कितना आ गया, 30 × 29 × 28 factorial / 28 factorial × 2 factorial,
15 थी 45 450 माइनस 435, ये तो क्लियर है क्योंकि सब के डिनोमिनेटर 435 है मेरे पास, क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे दो तीन चीज़ें इसमें निकालनी है। सबसे पहले पी ऑफ ए, अब इसको समझो ये है क्या, एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी, और ये क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वो कह रहा है बोथ आर बनाना है नॉन डिफेक्टिव, देखो बनाना कैसे आएंगे मेरे पास, अब दो कंडीशन हो सकती है मेरे पास, जब दो आप कंडीशन की बात करोगे टू बनाना आप ले रहे हो, है ना, आप दो बनाने की बात कर रहे हो तो आप क्या लोगे, बनाना कितने टोटल मेरे पास, क्या 20 है, क्या 20 है, यस 20 सी टू बनाना मेरे पास क्या है, 20 है और 20 सी टू, यानी ये कितना हो गया, क्योंकि मेरे को करना क्या है 20 × 19 × 18 factorial / 18 factorial × 2 factorial 190 आ गया, क्योंकि देखो सब में आप करोगे ये क्या होएगा 30 सी टू, इसीलिए मैंने हर के नीचे आप टोटल से तो डिवाइड करोगे ही करोगे, जो टोटल आउटकम से उससे डिवाइड करना ही करना है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए पहले ही कर रहा हूँ कि एंड में सब के नीचे मैं 30 सी टू लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, साथ के साथ इसलिए सॉल्व करता रहा हूँ। पी ओ पी क्या होगा मेरा, ठीक है, अब नॉन डिफेक्टिव देखो कितने हैं, 5 × 3 = 8 है, 8 है 30 में से 8 गए 22, यानी 22 में से दो पिक करने हैं, 22 सी टू यानी कितना 22 × 21 × 20 factorial / 20 factorial × 2 × 1 तो 11 × 21 कितना 230 बना गया, 210, ठीक है। अच्छा एंड में देखो मेरे पास क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी नॉन डिफेक्टिव गुआव, नॉन डिफेक्टिव बनाना, सॉरी गुआव वगैरह बनाना, तो ये कितना होगा 15 सी टू, तो ये कितना हो गया 15 × 14 × 13 factorial / 13 factorial × 2 × 1 15 × 7 कितना हो गया 105, यानी ये कितना मेरे पास 190 प्लस 231 माइनस ऑफ हाउ मच 105, तो ये कितना हो गया 231 प्लस ऑफ 85 5 × 6 = 11 316/435 इधर रहने से 435 में पहले निकाल चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और क्रैश कोर्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए अब इस ये क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ बताना है कि इस क्वेश्चन में करना है क्या, सॉल्व आपको ही करना है जिसने भी मुझे भेजा, ठीक है। अब बैग कंटेंट्स 50 टिकट्स 1, 2, 3, 4 up to 50 और विच 5 आर ड्रॉन एट रैंडम एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड टिकट ड्रॉन इज इक्वल टू 30। देखो मुझे क्या बोला है, पहले टिकट नंबर 1 दी है, फिर टिकट नंबर 2 दी है, ठीक है, ऐसे दिया है, फिर टिकट नंबर 3 दी है, फिर टिकट नंबर 4 दी है, और टिकट नंबर क्या दिया मुझे 5, ऐसे मेरे को 5 टिकट्स दी हुई हैं, ठीक है। वो कह रहा है ये टिकट क्या होनी चाहिए, इस टिकट का नंबर 30 होना चाहिए मेरे पास, बात खत्म। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितनी टिकट्स आ गई, 29 आ गई, और यहाँ से यहाँ कितनी आ गई, 31 से लेके 50 20 टिकट्स आ गई। इसका मतलब टोटल आउटकम्स की बात करो तो 50 × 5 = 50 है, यानी 29 सी टू, यानी यहाँ से मुझे दो टिकट्स लेने T1 T2 मल्टीप्लाई 20 × C2 / कितना 50 × C5, ये सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना सी इतनी सी बात थी और आपने कुछ नहीं करना था इसमें, क्लियर आ गई बात, ये करना था 29 C2, क्योंकि आपको थर्ड जो टिकट है वो फिक्स दे दी गई कि भाई थर्ड वाले टिकट पे 30 आना ही आना चाहिए, अब जो मर जाता रहे 1 2 जहाँ मर जाते रहे, पहले पे 29 पे 2 पे 28 पे हमें क्या दिक्कत है, T4 T5 जहाँ मर जाए बट 30 वाली आनी चाहिए 3 पे, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह थोड़ा ऐसे होकर ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा रुको एक मिनट, चलिए चलो अब ठीक लग रहा है। चलिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, इन एन ऑडिटोरियम द चेयर्स वर अरेंज सच दैट नंबर ऑफ रोज वर 3 मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब आपके पास नंबर ऑफ रोज, अगर कॉलम मेरे पास एक्स है तो रोज कितनी हुई, एक्स प्लस 3 हुई, नंबर ऑफ रोज वर 3 मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, यही है, ठीक है, समझो पहले तो क्वेश्चन को, द चेयर्स आर अरेंज्ड बाय रिमूविंग 3 कॉलम्स एंड एडिंग
एंड एडिंग सिक्स रोज विदाउट एडिंग और रिमूविंग एनी चेयर। कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या होएगा, टोटल नंबर सेम रहने वाला है, आप कुछ भी कर लो, टोटल नंबर सेम रहने वाला है। देखो शुरू में आपके पास, अगर आप जैसे 4x4 होता है ना, 4x4 है आपके पास, चेस होती है 8x8 या जो मर्जी ले लो जैसे स्केयर में, आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये कितना हो गया x इंटू ऑफ x प्लस 3 हो गया x इंटू x प्लस 3। अब नेक्स्ट में क्या है, अब वो कह रहा है नंबर ऑफ रोज वर 3 मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स द चेयर वर रेंज बाय रिमूव 3 कॉलम्स, यानी इसको 3 को रिमूव कर दिया एंड 6 रोज एडिंग, यानी x प्लस 3 प्लस 6 हो गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इजिकल टू, ये कितना हो गया x माइनस 3 इंटू ऑफ x प्लस 9, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 6, 3x इजिकल टू 6x माइनस ऑफ 27, तो माइनस 3x इजिकल टू माइनस 27 आ गया। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई आपके पास 9, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, मेरे पास आएगा 9, और सॉरी नहीं अभी क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, मुझे कुछ और पूछा हुआ जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेट मी चेक, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द ऑडिटोरियम, कितने पर्सन है, 9 इंटू ऑफ 9 प्लस 3 12 में कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, अब हम जानेंगे थोड़ा सा आगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स मैं अभी बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने अभी तक सीसेट की तैयारी नहीं शुरू की वो क्रैश कोर्स ले सकता है ओनली ऑन 3500 का। इसके बारे में कुछ जानना हो तो 9517165 इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, क्लियर, बहुत फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको तो बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट आपके पास चूज एग्जाम करेंगे, सी सेट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो कोर्सेज में जाना है सबसे पहले, अगर ना पता चले कॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका, ठीक है। चलो ये रहा मेरा क्रैश कोर्स। अब देखो क्रैश कोर्स में क्या है, आपके पास थ्योरी के 62 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू के 23 है, प्रीवियस ईयर के 17 और माइक्रो टेस्ट है मतलब, और वेब नोट्स 218। वेब नोट्स क्या होंगे, वेब नोट्स होगा मेरा थ्योरी पार्ट जो पर चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। कोई डाउट हो तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और हमारे साथ जुड़े काउंसलिंग सेशन के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है मेरा माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, माइक्रो कोर्स यानी छोटे कोर्सेज, जैसे मैं बताऊँ आपको, चलिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये दिया मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ही है, 18 क्वेश्चन, ये 22 में 10 क्वेश्चन है, 21 में 9 आए, 20 में 15, 19 में 7, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं। अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्जाम में और एक चैप्टर 18 से 20 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट, आप उसे नहीं छोड़ सकते। कितने रुपये मिल रहा है सिर्फ, देखो 354 रुपीज़ में मिल रहा है मुझे, 354 में मिला, 354 355 में क्या क्या मिल रहा है इसमें, मुझे 11 क्वालिटी के लेक्चर्स मिल रहे हैं, मुझे 10 वेब नोट्स मिल रहे हैं और 438 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है इसमें, समझ आई बात, मुझे ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स होता है मेरा थ्योरी पार्ट सारा का सारा, लेक्चर्स के साथ, देखो लेक्चर के साथ क्या मिल रहा है आपको, बेसिकली अगर मैं बात करूँ लेक्चर के साथ आपको एक तो थ्योरी मिल रही है, ऊपर से लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स हैं ना, वो सर लेक्चर्स हैं, उसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं, समझ आएगा, वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको चैप्टर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस, क्लियर, और 438 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है और आपके लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं, क्लियर। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज हर चैप्टर कर सकते हैं आप, यहीं जैसे यहाँ देखो लॉजिकल रीजनिंग, बजट टेस्ट आता आपका 253 का, रैंकिंग एंड ऑर्डर 136, क्यूब एंड डाइस 90 रुपये, स्टेटमेंट कंक्लूजन 47, ये सारे दिए गए हैं। कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम अंडररेटेड कर देते हैं, मतलब एक अनदेखा कर देते हैं, वो क्या है, आपको 26 से 27 क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इतने क्वेश्चन क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, सोचो अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपने अच्छे से कर लिया, आपके 15 प्लस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में होंगे तो कितने क्वेश्चन बचे आपको क्वालिफिकेशन के लिए, 12-13 ही बचे, समझ गए मेरी बात। ये चीज़ जिस बच्चे ने समझ ली ना, उसका बेड़ा पार है, यही बात है मेन समझने वाली, कि कॉम्प्रिहेंशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना है, सिर्फ देखो 660 रुपये में देखो क्या मिल रहा है मुझे, और 74 में वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम एंड सिनोनिम में मेरे पास, क्लियर। देखो 23 में 26 क्वेश्चन, 22 में 27, 21 में 27, 20 में 25, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का डेटा है जो आपको अपडेट हो रहा है, जो आया हुआ है, क्लियर।
तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, अभी के अभी जुड़िए मेरे साथ और सीसेट के डर को बकाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।